जय हिंद दोस्तों तो दोस्तों इस वाले लेक्चर के अंदर में हम देखेंगे जो द इंडियन इकोनॉमी है वो संजीव वर्मा के द्वारा लिखी गई है और यहाँ पर इसको अपडेट करा गया है पवनीत सिंह के द्वारा तो इस बुक के अंदर में जो जो हमारे चैप्टर्स है वो उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं तो जैसे कि आप सबसे पहले हम इसके इंडेक्स को देखेंगे यानी कि जो हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है द इकोनॉमिक सूत्रा तो हम क्या है कि सबसे पहले इसको देखने वाले हैं तो अब जो हमारा यानी कि इसके अंदर में टॉपिक है ना वो आप यहाँ पर देखोगे जैसे सबसे पहले ऑइनोमिया दे रखा है फिर उसके बाद में इन्होंने बता रखा है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या फ़र्क देखने को मिलता है फिर उसके बाद में एक तरीके से इन्होंने डेफिनेशन इसकी बता रखी है फिर उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने बता रखे है कितनी ब्रांचेज हमको तो इकोनॉमिक्स की देखने को मिलती है जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया फिर उसके बाद में इन्होंने डिमांड और सप्लाई के बारे में इन्होंने बता रखा है फिर उसके बाद में आप देखोगे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में इसमें इन्होंने बता रखा है फिर एग्जाम्पल दे रखा है पानी पूरी का वह है ना पिस्ता बर्फी का ब्रिटानिया ब्रेड का फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्होंने इसके अंदर में बता रखी है फिर उसके बाद में आप देखोगे कि क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमको किसी भी एक इकोनॉमी की देखने को मिलती है फिर उसके बाद में इन्होंने बताया इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बीच में हमको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है तो उसके बाद में आप देखोगे कि ये जो कैपिटलिस्ट इकोनमी है कॉम्युनिज़म सोशलिज्म यानी कि ये क्या है कि जो हमारी इकॉनमी है ये उसको क्लासिफिकेशन करती है यानी कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में हम डिफरेंस जब देखेंगे उसकी क्लासिफिकेशन इन्होंने बता रखा है फिर उसके बाद में आप देखोगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी सेक्टर यानी कि ये क्या है कि ये हमारा ओवरव्यू रहने वाला है इस चैप्टर के अंदर में यानी कि चैप्टर वन में हमको ये सारी चीजें देखने को मिलती है सो so, दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो जैसे नाम से पता चल रहा है यहां पर ओइकोनोमिया, तो आप यहां पर देखोगे तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है ना वो आता है ओइकोनोमिया यानी कि इसका मतलब क्या है हमारा होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट फिर उसके बाद में आप देखोगे इसमें क्या है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बारे में बता रखा है तो आप ऐसे समझो जब भी हम पढ़ते हैं इकोनॉमी यानी कि देश की इकोनॉमी कैसी चल रही है तो आप ये देखोगे जो इकोनॉमी वर्ड है ना ये क्या है एक तरीके से हमारा जो माइक माइक्रो यानी कि जो हाइएस्ट लेवल पर है यानी कि इन्फ्लेशन हो गया एम्प्लॉयमेंट हो गया जब इन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करी जाएगी तो इसको बोला जाएगा इकोनॉमी और फिर जब इकोनॉमिक्स के बारे में बात होगी तो यहां पर बोला जाएगा कि जैसे हम इंडिविजुअल्स पर कितना कंजम्पशन हम कर रहे हैं यानी कि कोई भी है उसको हम कितने रुपए में खरीद रहे हैं तो ये ये सारी चीजें यानी कि जब प्राइस और कॉमोडिटी के बारे में डील करी जाएगी ये सारी चीजें तो उसको बोला जाएगा इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी का मतलब क्या है अब यहां पर हम इसमें देखेंगे यानी कि नोट्स के फॉर्म में तो देखो यहां पर देखो जैसे दिख रहा है कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है तो इकोनॉमी यानी कि ये मैक्रो लेवल पर है तो ये कहता है कि हम क्या करेंगे इकोनॉमी में स्टडी करेंगे प्रोडक्शन की यानी कि कोई भी चीज़ को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं जब प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके बाद में हम कंज्यूम भी कर रहे हैं कंज्यूम करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी भी गुड्स या सर्विसेज का और इन सबको बनाया किसके द्वारा जा रहा है डिफरेंट एजेंट्स के द्वारा और यहाँ पर हम जो हमारा मेन मुद्दा ये है कि हम किस तरीके से रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे फिर उसके बाद में आप देखोगे इकोनॉमिक्स तो यहाँ पर ये बताता है कि जितने भी मेंबर्स यानी कि हम सोसाइटी के अंदर में रहते हैं एक समाज के अंदर में रहते हैं तो हम अपनी लेबर का इस्तेमाल करके या फिर हम पैसों का इस्तेमाल करके किसी भी एक जो हमारी स्केयर्स रिसोर्स है यानी कि जो भी सा हमारे एक तरीके से क्या है हमारी रिसोर्स अवेलेबल है हमारी अर्थ के ऊपर हम उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं उसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं और यहाँ पर वो उससे कोई भी हमने अगर कॉमोडिटी बनाई है तो हम आपस में लोग किस तरीके से बांटते हैं इसको बोला जाता है इकोनॉमिक्स फिर आप देखोगे इकोनॉमी को हमने क्लासिफाई कर रखा है तीन पार्ट में तो इकोनॉमी है यानी कि कैपिटलिस्ट है ये सोशलिस्ट है और मिक्स्ड इकोनॉमी हमने इकोनॉमी को तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है और ऐसे ही इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है यानी कि मैक्रो इकोनॉमी और यहां पर माइक्रो इकोनॉमी तो मैक्रो जैसे नाम से पता चला ये मैक्रो मैक्रोफिनना यानी कि ये क्या है ये इस यहां पर हम डील करते हैं अपने देश के अंदर में यानी कि कुछ भी चीज़ हम करेंगे ना तो ये हमारी कंट्री को और पूरी दुनिया को ये इफेक्ट करके आएगा तो ये वो वाली पॉलिसी होती है जैसे इंप्लॉयमेंट इन्फ्लेशन सेविंग इन्वेस्टमेंट ग्रोथ ये सारी चीजें इसके अंदर में देखने को मिलती है और यहां पर क्या कि इंडिविजुअल की इनकम और इंप्लॉयमेंट को डिटरमाइन करा जाता है जिसकी वजह से इसको बोला जाता है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एंप्लॉयमेंट फिर आता है माइक्रो तो देखो माइक्रो का नाम पता चल रहा है ये क्या है बिल्कुल छोटे लेवल पर है यानी कि जैसे हम इंडिविजुअल्स हैं ना ये वहां पर डील करता है तो इसकी इसी ही इसको बोला जाता है प्राइस थ्योरी इसके अंदर में हम कोई भी कॉमोडिटी को अगर प्रोड्यूस करते हैं ना तो उसका प्राइस हम डिटरमाइन करते हैं और यहाँ पर बोल रहा है कि हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो ऐसे समझो कोई भी चीज़ को अगर हमको बनाना है यानी कि हमको लैंड चाहिए लेबर चाहिए कैपिटल चाहिए एंटरप्रेन्योर चाहिए तो ये चारों चीज़ मिलकर के क्या बन जाती है एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बन जाती है फिर इनसे क्या है जब ये सारी चीज़ मिल जाती है तो हमारा क्या होता है प्रोडक्शन होता है सपोज करो कोई पार्ले जी का बिस्किट है ये हमने बना दिया फिर उसके बाद में इस पार्ले जी का कितना प्राइस हो ये जो हम कंज्यूमर यूज़ कर सके तो ये सारी चीज़ें क्या है ये प्राइस थ्योरी बताती है और इसी को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं हम कह सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है जो भी इंडिविजुअल होता है ना उसके बिहेवियर को यहाँ पर चेक करा जाता है कि यानी कि उसकी कितनी क्षमता है उसकी डिसीजन मेकिंग की कितनी क्षमता है कंज्यूमर की फर्म की या फिर रिसोर्स ओनर की अब यहाँ पर यह बताता है कि हम यहाँ पर अपने समाज के अंदर में कितना प्रोड्यूस करें वॉट हाउ वेयर टू प्रोड्यूस यानी कि कितना प्रोड्यूस करें कैसे प्रोड्यूस करें और कहाँ पर प्रोड्यूस करें और यहाँ पर क्या है एक तरीके से ये डिटरमाइन करता है कि कोई भी प्राइस है या फिर क्वान्टिटी है इसकी ट्रांजेक्शन में यानी कि जो भी प्राइस है ना यानी कि कितना बायर खरीदना चाहता है कितना नहीं ख़रीदना चाहता यानी कि हम कॉमोडिटी के प्राइस को यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं फिर यहां पर आप देखोगे कहता है कि वॉट आर थ्री इकोनॉमिक एजेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो दोस्तों उसके बाद में आप यहां पर देखोगे ये बता रहा है कि हमारी सोसाइटी यानी कि इकोनॉमी के अंदर में हमको तीन चीजें देखने को मिलती है तो आप यहां पर देखो जैसे कंज्यूमर हो गया प्रोड्यूसर हो गया और ओनर हो गया कंज्यूमर क्या हो गए हम जैसी जनता हो गई जो कोई भी प्रोडक्ट को हम खाती है कंज्यूम करते हैं फिर उसके बाद में प्रोड्यूसर कौन हो गया जो कोई प्रोडक्ट को बना रहा है और ओनर यानी कि उस कोई भी मील का मालिक जो वहाँ पर ये सारा प्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है तो ये सारी चीज़ें हो गई फिर उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर इस बुक में हमको बताया गया डिमांड क्या चीज़ है तो आप सपोज करो डिमांड का क्या मतलब है यहाँ पर ना कोई भी अगर इंसान की पॉकेट में इतने पैसे हैं कि वो किसी भी चीज़ को वो यानी कि परचेज कर सकता है और वो उसकी इच्छा भी है एक स्पेसिफिक प्राइस में तो उसको बोला जाता है डिमांड तो यहां पर कहता है कि हाउ मैनी पीपल आर विलिंग यानी कि वो इच्छुक हैं और वो उस उस लायक भी हैं कि वो वो एक एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक चीज को प्राइस में खरीदने के लिए वो सक्षम है तो इसको बोला जाता है डिमांड अब लो ऑफ डिमांड ये कहते हैं कि अगर किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड क्या है कम हो जाएगी अगर ऐसी डिमांड बढ़ेगी तो उसका क्या है प्राइस कम हो जाएगा ये लॉ ऑफ डिमांड हमको देखने को मिलती है फिर उसके बाद में आप देखोगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक कंसेप्ट आता है तो दोस्तों यहां पर ये यह कहता है कि अगर सपोज करो कोई पार्ले जी का बिस्किट पहले पाँच रुपए का आता था अब आज की डेट में वो दस रुपए का आ गया तो यहां पर यह कहता है कि प्राइस में कितना भी चेंज होता है ना तो जब प्राइस में चेंज होता है तो लोगों की डिमांड कितनी चेंज होती है उसको बोला जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सपोज करो पहले पांच रुपए वाला बिस्किट सौ लोग खरीदते थे लेकिन जब वो दस रुपए का हो गया तो अब उसको कितने लोग खरीदने लगे बस मात्र चालीस यहाँ पर लोग खरीदने लगे तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है फिर अगला यहाँ पर आता है कि वॉट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी यानी कि क्या सेंट्रल प्रॉब्लम है किसी भी इकोनॉमी की तो यहाँ पर ये इस बुक के अंदर में ये बता रखा है कि जो भी हमारे देश के अंदर में या फिर हमारे अर्थ के ऊपर रिसोर्सेज अवेलेबल है ना हम यहाँ पर कैसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन यहाँ पर अटेन कर सके यानी कि हम जितने भी ह्यूमन् ना हम उनको सारी की सारी चीज़ें फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करा सके इसका मतलब ये कि हमको कि इन स्केयर से रिसोर्स का व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कि हम क्या प्रोड्यूस करें कैसे प्रोड्यूस करें और किन के लिए प्रोड्यूस करें और यहाँ पर हम क्या ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन लाए ताकि हर एक लोगों को सारी चीज़ों का बेनिफिट मिल सके तो ये क्या है किसी भी देश की सेंट्रल प्रॉब्लम है यानी कि अगर वो इस चीज़ को सुलझा लेती है यानी कि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेती है तो यहाँ पर क्या है वो उसके देश में एक अच्छे तरीके से क्या है सारे लोगों को बेनिफिट पहुँचा सकती है फिर नेक्स्ट यहाँ पर आप देखोगे इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या है डिफरेंस बता रहा है तो यहाँ पर आप देखो जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी दे रहा है ना तो आप ऐसे समझो अगर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ों का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं फिर उसके बाद में हम कंज्यूम भी कर रहे हैं आपस में और एक्सचेंज कर रहे हैं यानी कि बायर और सेलर क्या कर रहे हैं हम आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं फिर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं किसी भी चीज़ का यहाँ पर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है तो प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है सपोज करो एक रॉ मटेर

फिर एक्सचेंज में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्शन और कंजम्पशन हमने करा है यहाँ पर क्या है एक तरीके से एक्सचेंज है यानी कि हमने गुड फॉर गुड लिया यानी कि सामान के बदले सामान लिया या फिर हमने पैसे दे करके क्या है सामान को ख़रीदा है फिर अगला आता है इन्वेस्टमेंट इस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि जो भी हमने ये गुड खरीदा है यानी कि जो भी हमने प्रोडक्ट खरीदा है ना ये हमने इमीडिएट कंजम्पशन के लिए नहीं करा बल्कि इसको हम आगे क्या करेंगे इन्वेस्ट कर देंगे ताकि फ्यूचर में हमारे पास में वेल्थ आ सके इसको इन्वेस्टमेंट बोला है फिर अगला आता है डिस्ट्रीब्यूशन तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि कोई भी बेनिफिट हमको देखने को मिल रहा है ना तो जितने भी मेम्बर्स हमारी सोसाइटी में रहते हैं वो सारा बेनिफिट सबके पास में रूप से होना चाहिए तो ये सारा का सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमको देखने को मिलता है फिर उसमें आता है नेक्स्ट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि ये वो एक्टिविटीज होते हैं यहाँ पर क्या होता है सर्विस तो दी जाती है लेकिन यहाँ पर कोई भी पैसों का चार्ज नहीं लगाया जाता है तो ये सारा का सारा हमको इसमें देखने को मिलता है फिर हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकॉनॉमी के बारे में देखेंगे यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सोशलिस्ट इकॉनॉमी और मिक्सड इकोनॉमी तो देखो दोस्तों हमने देखा था इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स यानी कि सबसे पहले वाले पेज पर आप यहाँ पर देखोगे तो इकोनॉमिक्स तो हमने क्लासिफाई करा माइक्रो और मैक्रो पे और जो इकोनॉमी है ये तीन पार्ट्स में क्लासिफाई है यानी कि आप यहाँ पर देखोगे कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनमी तो जैसे आपने पढ़ा भी होगा पहले कैपिटलिस्ट का क्या मतलब है यानी कि इसके अंदर में फ्री मार्केट होती है यानी कि जो गवर्नमेंट है ना यहाँ पर कोई भी रेगुलेशन अपनी तरफ से नहीं करती कि समाज में इतना प्रोड्यूस होना चाहिए इतने लोगों के लिए प्रोड्यूस होना चाहिए यहाँ पर क्या है जो भी प्रोडक्शन होगा ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करेगा इसलिए इसको फ्री मार्केट या फिर लिबरल इकॉनमी बोला जाता है यानी कि ये गवर्नमेंट कंट्रोल से क्या है फ्री देखने को मिलती है और यहाँ पर जो भी कंपनी है ये प्रोड्यूस करती है ना ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करती है जिसकी वजह से हमको यहां पर कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है किसी भी प्रोडक्शन को लेकर के फिर अगला आता है सोशलिस्ट इकॉनमी तो यहाँ पर देखो इसको ना कमांड इकॉनमी बोला जाता है ये कमांड इकोनॉमी इसलिए बोला जाता है जैसे आपने देखा होगा रशिया क्या है एक समय पर कमांड इकॉनॉमी था यानी कि वो आज भी कमांड है यानी कि वहाँ पर क्या है जैसे फाइव ईयर प्लान्स है ना वो देखने को मिलते हैं यानी कि इन्होंने बताया कि हमारे समाज में हमारे देश के अंदर में इतना प्रोडक्शन होगा यानी कि गवर्नमेंट क्या करेगी कंट्रोल करेगी और रेगुलेट करेगी हर एक चीज़ को यानी कि कंट्रोल्ड तरीके से प्लानिंग करेगी स्टेट यहाँ पर इतना प्रोड्यूस होगा इतने लोगों को तो यहां पर इस वजह से हमको कोई भी कंपटीशन नहीं देखने को मिलता है और यहां पर ये यह क्या है प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते बल्कि ये जितनी भी कॉम्युनिटी है यानी लोग है ना इनके बेनिफिट के लिए यहां पर काम करते हैं फिर अगला आता है मिक्सड इकोनॉमी यानी कि जो फीचर्स हैं ना हमको यहाँ पर कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी के देखने को मिलते हैं तो आप यहाँ पर देखो जैसे इंडिया यहाँ पर हाँ, इंडिया यानी कि हमारा जो देश है यहाँ पर कैपिटलिज़्म और सोशलिज्म दोनों देखने को मिलता है तो अब आप यहाँ पर ऐसे समझो जो इंडियन गवर्नमेंट है ना कुछ एक स्पेसिफिक सेक्टर में क्या है अपनी हिस्सेदारी रखती है और इन्होंने बाकी जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं यानी कि प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया कि भैया आप क्या कर सकते हो यहाँ पर एक्सप्लोरेशन कर सकते हो यानी कि आप हिस्सेदारी कर सकते हो प्रोडक्शन वगैरह कर सकते हो ये सारी चीजें फिर अगला आता है दोस्तों इसमें सोशलिज्म और कम्युनिज्म तो यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे ये कम्युनिज्म और सोशलिज्म है तो अब यहाँ पर ऐसे समझो सोशलिज्म क्या चीज़ है तो अब यहाँ पर क्या है ना एक तरीके से सिस्टम है यानी कि सामाजिक सिस्टम है इसके अंदर में क्या होती है जो भी ओनरशिप होती है या फिर जितना भी समाज के अंदर में प्रोडक्शन होगा और या फिर हम ऐसे कह दो कि जितना भी लैंड है कैपिटल है जो भी सारी की सारी चीज़ें ना इन सब का मालिक कौन होगा एक तरीके से पूरे समाज के अंदर में जितने लोग हैं ना ये सारा का सारा उनको बिलोंग करेगा यानी कि कोई प्राइवेट ओनरशिप हमको यहां पर देखने को नहीं मिलती इसलिए इसको बोला जाता है कलेक्टिव कोऑपरेशन तो ये हो गया सोशलिज्म तो आप ऐसे समझो हायरार्की है यानी कि सबसे सो ऊपर सोशलिज्म आएगा सोशलिज्म के कुछ सब पार्ट देखने को मिलते हैं जैसे सोशलिज्म के अंदर में क्या है कॉम्युनिज्म आता है तो यहां पर क्या है कॉम्युनिज्म एक सोशलिज्म की ब्रांच है यहां पर भी हमको कलेक्टिव कोऑपरेशन देखने को मिलता है लेकिन जो कॉम्युनिस्ट लोग हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं यानी कि वहां पर यह ये बोलते हैं कि यहां पर टोटलीटेरियन गवर्नमेंट हमको देखने को मिलती है तो टोटलीटेरियन गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होगी यानी कि ओनली वन गवर्नमेंट होगी तो ये सोशलिज्म के अंदर में ही हमको कॉम्युनिज्म देखने को मिलता है फिर यहां पर आप देखोगे इस बुक के अंदर में लास्ट टॉपिक रहता है डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकॉनमी यानी कि कितने सेक्टर्स हमको देखने को मिलता है आपने देखा होगा जैसे प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी टर्चरी और क्वार्टरनरी तो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है जैसे एग्रीकल्चर हो गई या फिर इससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है ना ये प्राइमरी सेक्टर में आती है क्वेरिंग फिशिंग फॉरेस्ट्री डेयरी फार्मिंग एनिमल हस्बेंड्री ये सारी आती है हमारी प्राइमरी में अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है ये क्या करता है जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं ना ये फिनिश्ड गुड्स में यहाँ पर इनको कन्वर्ट कर देता है ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर अब टर्चरी सेक्टर को हम नॉन टेंजिबल भी बोलते हैं यानी कि ये क्या है सर्विसेज प्रोवाइड करता है और जो सर्विसेज होती है ना हम इनको टच नहीं कर सकते तो इसलिए इसको बोला जाता है नॉन टेंजिबल तो ये डेवलपमेंट करता है एक तरीके से हेल्प करता है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को ग्रो करने के लिए तो ये हेल्प कैसे कर सकता है बैंकिंग के ज़रिए ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन लीगल मेडिकल सर्विसेज ये सारे के सारे और यहाँ पर होता है लास्ट सेक्टर क्वार्टरनरी तो यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ है ना ये नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़